हाई स्कूल में लौंडा हीरो था, हीरो मतलब वो भी एक दौर था जब दिल मेरे बस में नहीं था और जो था वो सिलेबस में नहीं था। हाई स्कूल में लौंडा हीरो था। बाबूजी का दिया हुआ 1200 रुपए के साइकिल से दिन में कई दफा उसकी गलियों से गुजरता था। लास्ट मोमेंट पे ब्रेक मारना हो या साइकिल हैंडल छोड़ के चलाना, ये सब हमारे हीरोगिनी का पार्ट था और इसके लिए हमें पेप्सी कोला पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी, नहीं कभी नहीं। क्लास में 12 लड़कियां थी, 11 मेरे पीछे और मैं 12वीं के। अब जब कभी सोचता हूं तो लगता है कि वो प्यार नहीं ईगो था, पर जो था वही था, आज वही बताता हूं। भाई वो सब करने के लिए भी ना बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती थी, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत। अब जाकर हमने पी पेप्सी कोला थम्स अप स्प्राइट लिमका हजमोला डेयरी मिल्क किटकैट पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस जेब और वक्त टाइम टाइम पे कटता रहा। देखो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना बड़ी शिद्दत के साथ किया है। मेरे काम विकिपीडिया पे नहीं मिलेंगे, पर सोशल मीडिया पे ढूंढोगे ना तो मिल जाएंगे। और मेरे ज्यादातर कॉमेडी ना आपको आपकी जिंदगी के फ्लैशबैक में लेकर जाएगा। खैर यहां तक आते आते मेरा दिल तो चोरी हो गया था, मैं अपनी चोरनी को अच्छा सॉन्ग नहीं कर रहा ना, मतलब अपनी एक्स वाई जेड को भी ना रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिली तो मोरनी नहीं तो चोरनी, ऐसा नहीं है। मैं बीच बीच में शिष्टाचार की धूप लगा लिया करता हूं, इसलिए मेरी अपर लिमिट ना चुड़ैल तक की है, चुड़ैल तक की। वो भी तब ना जब उसके साइड से कोई बड़ा भयानक डिचिंग वाली बात याद आ जाए। 80s में पैदा लिया ना, सी से चुड़ैल नहीं सी। मैं उसके हर वक्त का हिसाब रखता था। सुबह के संडास से लेके शाम को पीपल के पेड़ के पास दिया जलाने तक हर वक्त हर घड़ी का हिसाब रखता। अपनी किस्मत तो ऐसी है भैया कि सुबह को आधा लोटा पानी से उसका नाम लिखता था और आधे लोटे पानी से धोता था। फिर भी आई लव यू कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया ना, जुटा ही नहीं पाया। इसके भी ना दो रीजन थे। पहले की इंग्लिश इतनी कमजोर थी कि अगर आई लव यू के आगे वो कुछ पूछ लेती तो अपना तो एफलूडा हो जाता। और दूसरी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बाप रे, ये शब्द खुद में इतना डरावना भयानक है ना कि सोचकर ही डर लगता है कि अगर ये बात अपने भाइयों से या अपने बाप से कह देती तो मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया जाता ना भाई जैसे मैंने कोई पाप कर लिया हो। बात अगर सिर्फ पाप तक होती तो भी ठीक था, झेल लेता, मतलब प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता था, पर धुलाई भी सामूहिक
मतलब पुरजोर तरीके से, मतलब सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग एक साथ धुलाई करते हैं, और वो तब तक करते हैं जब तक कि आपकी पूरी जवानी को झाड़ ना दे। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो आई लव यू बोलना ही बेटर था। पर ये बात बहुत बहुत बाद में समझ में आई मुझे। मैं लास्ट ईयर की एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने दोस्त के भाई की शादी में गांव गया था, कह दो मैं बेल्ला हूं, मतलब दोस्त की शादी में कोई नहीं जा पाता, मैं दोस्त की भाई की शादी में गया था, बहुत टाइम था मेरे पास पर गया था। लड़की वालों को यह बताया गया था कि लड़का कलकत्ता में किसी इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर है, सबका सीना चौड़ा। फिर शादी से एक दिन पहले किसी ने लड़की के पापा से आकर कहा कि ये कंपनी में ना LIC जैसे ही काम करती है, जैसे अपने गांव का LIC एजेंट वो चंगू मंगू है ना जो बीमा बेचता है, वैसे ही शायद ये लोग भी बीमा बेचते हो। लड़की के पापा ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। अब शादी वाले दिन गांव का वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो दूसरों की जिंदगी में बहुत औंगली करता है। ऐसा ही एक महानुभाव लड़की के पापा से आकर कहते हैं, अंकल आपको पता है लड़का क्या करता है? अंकल ने मुझ पे ताव देते हुए कहा कि बेटा लड़का फाइनेंशियल एडवाइजर है। उसने वो मूछ वाली हाथ को वहां से हटाकर यहां दिल के पास ला रखा और कहा, अंकल फाइनेंशियल एडवाइजर को ना हम एजेंट भी कहते हैं, और बुरा मत मानिएगा, बात दरअसल आपकी बेटी की है जो मेरी भी बहन समान है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एजेंट का ना हिंदी, एजेंट को ना हिंदी में दलाल कहते हैं। बस फिर क्या था, कल तक जो बंदा फाइनेंशियल एडवाइजर था वो एजेंट से होते हुए दलाल बन चुका था। शादी रुक गई, रुकनी ही थी। उस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मैं आई लव यू बोल दिया होता तो इस दुर्गा पूजा में जिस बच्चे को मैंने रसगुल्ले खिलाए, जो मेरे जैसा ही जिद्दी था, जिसे एक बार मैंने हवा में क्या उछाला, जब तक मेरी सांसें ना फूल गई वो जिद करता रहा और मैं उसे उछालता रहा, वो जितनी दफा मुझे अंकल कहता था ना मुझे पापा सुनाई देता था। काश को एडवर्टाइजिंग तब काम कर गई होती यार, कोई कोल्ड ड्रिंक कोई चॉकलेट काम कर गई होती है। तो आज बबीता के गोद में ना ये जिद्दी बालबोध अपना खेल रहा है। आई एम श्योर आपके लाइफ में भी कभी कोई ऐसी बबीता आई होगी जिसके लिए आपने भी कविता और शायरी का सहारा लिया होगा। आपको आपकी बबीता की कसम, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।